Hello dear children, so now today we will start new chapter, chapter 10, Huttutu Huttutu. Okay, so you all can see the picture. In this picture, six girls, see these six girls, they are wearing yellow color dress. Okay, and the one girl, she is wearing green color dress. It means by seeing the picture itself, you can decide that a game is being played between these two teams. Okay. These are the members of yellow team. Suppose if we are giving the name, these are the members of yellow team. And this girl is the member of green team. आप picture देख के समझ पा रहे हैं कि चार लड़कियां जो हैं, छह लड़कियां जो हैं, ये येलो टीम की हैं और ये ग्रीन टीम की है. एक बार हम इसका एनिमेटेड भी फॉर्म देखते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं इस गेम को पहचानने की. चलिए अब हम इस गेम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. यू कीप ऑन गेसिंग. हुत्तुतु 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 हुत्तुतु. ओके, सो ये साउंड जो है वो आ रहा था जब ये गेम खेला जा रहा था. आउट आउट, ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउड. जैसे जो दूसरी तरफ की गर्ल्स थी ये सब चिल्लाने लगी आउट आउट. आउट का मतलब गेम में आउट का होना क्या कहलाता है. गेम में आउट का होना कहलाता है कि अब वो मेंबर जो भी आउट है वो इस गेम को आगे नहीं खेल सकता है. हुत्तुतु 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 हुत्तुतु, ये साउंड जो है ये ग्रीन कलर की जो ड्रेस पहनी है लड़की ये बोल रही है. Hold from here, और ये बाकी लोग जो है वो उसको पकड़े हुए हैं. हुत्तुतु हुत्तुतु means the same sound that this girl is making. Hold from the leg, the leg, the leg. Hold her leg. इसको पैरों से पकड़ो. हुत्तुतु हुत्तुतु. Vasudha, you come here, you hold her from here. ये continuation में हुत्तुतु हुत्तुतु बोल रही है और ये टीम के मेंबर ने इन्होंने वसुधा को बोला कि इसको यहाँ से पकड़ दो. Hey, make sure that Shyamala's hand does not touch the line. लेकिन तुम इस बात की मतलब बोला कि इस बात का ध्यान रखो कि इसका हाथ जो है वो मिडिल लाइन को टच ना कर सके. हुत्तुतु हुत्तुतु, ओह शी हैज टच्ड. तभी ये हुत्तुतु हुत्तुतु कंटिन्यूअसली बोल रही थी और कोशिश कर रही थी इस लाइन को छूने की और इसने छू लिया. आउट आउट आउट, ऑल आउट, हो हो हो, इस तरीके की आवाज जो है वो ग्राउंड में आने लगी. योर टीम इज ऑल आउट, और ये टीम को बोला जाने लगा कि येलो टीम जो है वो पूरी तरह आउट हो गई. What are these girls doing? They are shouting out, out, out. ये लड़कियाँ क्या कर रही थी, क्यों चिल्ला रही थी out, out, out? It is clear that they are playing a game. Out, out, out चिल्ला रही थी तो इससे समझ में आ गया कि ये लड़कियाँ क्या कर रही हैं, एक गेम खेल रही हैं. What do you call this game? आप लोग इस गेम को क्या बोलते हैं? छेटू गुड्डू, हुत्तुतु, छू किट किट, हाथ दुदू और कबड्डी और समथिंग एल्स. सब जगह अलग अलग नाम है. हम जो है इसे कबड्डी के नाम से और हुत्तुतु के नाम से जानते हैं. When six girls surrounded Shyamala and caught her, मतलब वो जो ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी उसका नाम क्या है, श्यामला. जब उसको छह लड़कियों ने पकड़ा, everyone thought that she was out. बाकी लोगों ने सोचा कि अब वो आउट हो गई. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist. किसी ने उसके पैरों को पकड़ा, किसी ने उसके हाथ को और किसी ने उसके कमर से पकड़ा. But Shyamala was not the one to give up. तो श्यामला हारने वाली लड़कियों में से नहीं थी कि वो गिव अप कर दे. शी ड्रैग्ड हरसेल्फ एंड मैनेज्ड टू टच द लाइन इन द सेंटर. आप देख रहे हैं अपने आप को वो आगे खींच रही है और खींच कर मतलब उसने अपने आप को क्या किया, आगे की तरफ खींचा और उसने सेंटर लाइन को टच कर दिया. व्हेन श्यामला टच द लाइन, ऑल द गर्ल्स ऑफ द अपोजिट टीम वर होल्डिंग हर. जब श्यामला ने मिडिल लाइन को टच किया तो जो गर्ल्स थी अपोजिट टीम की सारी उसको पकड़ी गई. सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट, तो सारी आउट हो गई. बट रोजी आर्ग्यूड Shyamala had taken a break in between. लेकिन जो रोजी थी उसने आर्ग्यू किया, जो येलो टीम की थी उसने आर्ग्यू किया, उसने बहस की कि श्यामला ने बीच में ब्रेथ लिया था. ब्रेथ मतलब सांस ली थी. सो द टीम वॉज नॉट आउट, तो हमारी टीम जो है वो आउट नहीं है. Shyamala insisted that this was not true. श्यामला ने कहा नहीं ये तो कोई गलत बात है. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? अगर मैंने सांस ली तो आप लोगों ने मुझे क्यों पकड़ के रखा था, आपको तभी छोड़ना था अगर मैं आउट थी तो. There was a big argument. और अब क्या हुआ, दोनों के बीच में बहुत बड़ी बहस हुई. Finally Shyamala won. और लास्ट में कौन जीत गया, श्यामला. When you play kabaddi, how many players do you have in the team? जब आप कबड्डी खेलते हैं तो आपकी टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? There are 12 players in the kabaddi team. कितने प्लेयर्स होते हैं, 12. सेवन प्लेयर्स प्ले ऑन द ग्राउंड, सेवन खेलते हैं और फाइव जो है वो रिजर्व रहते हैं. जब किसी को चोट लग गई सेवन में से या कुछ मिस हैपनिंग हो गया तो उस समय इनमें से प्लेयर्स को लिया जाता है, स्टैंड बाय जो हम बोलते हैं. हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन.
कितने प्लेयर्स आउट हुए थे, तो हमने देखा था 6 लड़कियां थी तो 6 प्लेयर. डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स? अब गेम्स में हमेशा ऐसे झगड़ा होता है टीम के बीच में, तो उनको उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का क्या तरीका है? द गेम रेफरी शुड लिसन टू बोथ साइड. जो गेम का रेफरी है या आप क्रिकेट में जैसे अंपायर है, उसको दोनों तरफ की बातों को सुनना होता है एंड गिव अ फेयर जजमेंट, और एक सही निर्णय देना होता है. द गेम ऑफ कबड्डी, अब हम कबड्डी के बारे में पढ़ेंगे. सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक. तो इस तरीके का गेम होता है. पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. पुशिंग एंड पुलिंग मतलब एक दूसरे को धक्का देना, पुलिंग मतलब खींचना, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग चीखना और चिल्लाना, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग, ड्रैगिंग मतलब एक दूसरे को खींचना या अपने आप को खींचना, और फॉलिंग गिरना. इट इज अ रफ गेम येट इट हैज मेनी रूल्स. ये एक रफ गेम है. रफ गेम मतलब ऐसा नहीं कि ईजी, बहुत ईजी गेम नहीं है ये. बहुत थोड़ा सा इसमें क्या है, फिजिकली मैच जो भी गेम खेलेगा उसको फिजिकली और मेंटली बहुत साउंड होने की जरूरत है, और इसमें बहुत सारे रूल्स भी है. इट इज लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज. इसमें बहुत सारा फन है और बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है. होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम. क्या करना होता है, आपको अपनी सांस को रोक के रखना होता है, दौड़ना होता है और कंटिन्यूसली कबड्डी 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 बोलना होता है बिना सांस रोके. एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स, और ये भी कोशिश करनी होती है कि जब आप कबड्डी कबड्डी बोलकर दौड़कर दूसरी टीम में जा रहे हैं तो उनके प्लेयर्स को भी टच करके आना पड़ता है, नहीं तो आपका चांस जो है वो किसी काम का नहीं रहता है. सो मेनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी. बहुत सारी चीजें हैं जो हमको कबड्डी में करनी पड़ती है. यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ, और ये तब तक कर सकते हैं जब तक कि आप अपनी सांसों को रोक के रखेंगे. यू नीड टू यूज बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम. इस गेम में शरीर और मन, मस्तिष्क दोनों को ही यूज करना. You have to use your strength to pull or stop the player. अपने शरीर की शक्ति यूज करनी पड़ती है खींचने के लिए और प्लेयर्स को स्टॉप करने के लिए. At the same time, you have to think about how to enter the other side. ये भी सोचना होता है कि अब हम दूसरी साइड, दूसरे पाले में कैसे जाएंगे. You have to decide whom to touch quickly and come back. अब किसको टच करके आएंगे, जल्दी से टच करके हम वापस लौट सकते हैं. If you get caught, then how do you reach the line in center? Or by chance, अगर आपको टीम मेंबर ने पकड़ लिया, तो आप कैसे अपने आप को ड्रैग करते हुए सेंटर लाइन को पकड़ेंगे? Next time when you play kabaddi, focus your attention on your legs, arms and eyes. जब आप next time kabaddi खेले, तो आपको ध्यान रखना है अपने पैरों का, अपने हाथों का और अपनी आँखों को सजग रखना है. You will notice that good coordination is required between eyes, legs and arms. आप पाएंगे कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है आईज, लेग्स और आर्म्स के बीच में. मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज्ड टू गेट द एंटायर अपोजिंग टीम आउट इन वन गो. पिक्चर आपने देखी, जो सबसे पहले पिक्चर दिखाई थी सेकंड की, श्यामला ने किस तरीके से अपोजिंग टीम के सारे मेंबर्स को आउट किया. हम इसको एक बार डिस्क्राइबिंग आंसर कैसे लिखना है वो बता देते हैं. पिक्चर आप ड्रॉ कर लीजिएगा. When six girls caught श्यामला, everyone thought that she was out. जब छह लड़कियों ने उसको पकड़ा, सबने सोचा कि श्यामला आउट हो गई. But Shyamala, she dragged herself and touched the line in the center. Shyamala ne apne aap ko aage khincha aur jo center ki line thi usko touch kiya. Thus, she managed to get the entire opposing team out in one go. Aur is tarike se usne manage kar liya puri team ko ek baar mein out kiya. What does it mean to be out in game? When does one gets out in kabaddi? Out ka matlab kya hota hai aur kab kabaddi mein out mana jata hai? Being out in games means that the player can no more continue the game. मैंने आपको बताया था कि आउट का मतलब होता है कि अब प्लेयर जो है इस गेम को आगे कंटिन्यू नहीं खेल सकता. अ प्लेयर गेट्स आउट इन कबड्डी गेम इफ ही लूजेस ब्रेथ. अब क्या कबड्डी गेम के क्या रूल्स है? अगर वो अपनी सांस छोड़ दे, मतलब सांस बीच में कबड्डी कबड्डी बोलते बोलते बीच में एक सांस ले ले, ही इज स्टॉप्ड बाय द अपोजिशन प्लेयर. अपोजिशन प्लेयर में जब वो गया हो तो वो उसको पकड़ के वहीं पर रख ले और वो लाइन टच ना कर पाए. He was touched by the opposition player and fails to stop it. Opposition team का कोई player आए, उसको touch करे और वो उसको पकड़ ना पाए. In some game it is very important to touch the player. किसी किसी game में player मतलब player को touch करना बहुत जरूरी होता है out करने के लिए. You also get your turn by someone's touch. और जैसे आप खोखो में देखिए, खोखो में जब आउट करना होता है तो प्लेयर जो है वो दूसरी टीम के मेंबर जो दौड़ रहा होता है उसको टच करता है तो वो आउट होता है. और अगर आपको चांस चाहिए कि आप दौड़कर उसको पकड़े तो उसके लिए भी टच की जरूरत होती है. तो इसी प्रकार से आपको वो गेम बताने हैं जिनमें कि टच की जरूरत होती है गेम खेलने के लिए.
कबड्डी हो गया, हाइड एंड सीक मतलब लुकन छिपाई, ब्लाइंड मैन्स बफ, ब्लाइंड मैन्स बफ मतलब जिसमें आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, आंखों में पट्टी बांधकर फिर आपको टच करना होता है, एटसेट्रा आर सम गेम्स इन विच इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द गेम. ये कुछ गेम है जिनमें की बहुत जरूरी होता है. इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन. कबड्डी में सारी टीम आउट हो गई क्योंकि श्यामला ने क्या किया था, लाइन टच कर दी थी. What are the other games in which the central line is very important? और कौन से गेम है जिसमें central line बहुत important है? Tug of war मतलब खींचा तनी, रस्सा कसी भी बोलते हैं जिसको हम, football, hockey, ये कुछ game है जिसमें central line बहुत important है. What are the games in which besides the player you have to touch something or color? कौन से ऐसे game है जिसमें तो player को तो touch करना ही करना है, साथ में हमको कुछ और चीजों को भी touch करना है. वो खो खो है and color race, ये game है जिसमें आपको प्लेयर के साथ साथ कुछ और चीज भी टच. तो खो खो में क्या होता है, दोनों साइड पर एक पिलर लगा होता है, तो वो दो पिलर को भी टच करना होता है, मतलब उनको पिलर को भी टच करके उसको घूमकर आना होता है. अब देखिए ये है टग ऑफ वॉर, आप देख रहे हैं रस्सी है बीच में ये लाइन है, ठीक है. फिर ये क्या है, ये है फुटबॉल, इसमें भी यहाँ बीच में ये येलो कलर की है, बीच की सेंट्रल लाइन है, एक तरफ ओपोनेंट टीम है, ये दूसरी टीम. इसके बाद ये है हॉकी, इसमें भी सेंटर लाइन होती है, ये देखिए ये सेंटर लाइन है, तो ये सेंटर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसके बाद ये जो है ये खो खो है, ये देखिए ये खो खो है, इसमें जो है ये प्लेयर्स को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ये व्हाइट कलर का पिलर है जिसको उनको टच करना होगा. डू यू प्ले कबड्डी, इज देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर टीम. अब ये क्वेश्चन से ही आपके जनरल की आपके स्कूल में कबड्डी टीम है कि नहीं है, ग्रैंड मदर ने कबड्डी खेली है कि नहीं, तो वो आप पूछ सकते हैं. Do girls in your area play kabaddi or any other outdoor game? आपके area में girls कोई game खेलती हैं? Is there any, if there are girls who do not play, then what are the reasons? ये आपको पता करना है, ठीक है? अब हम next जो आते हैं, next जो हमारी एक sports person है, Karnam Malleshwari. आपने इनका नाम सुना होगा, she is a weightlifter. Weightlifter मतलब वो भारोत्तोलन मतलब भार को उठाती हैं. हम अभी देखेंगे इसको वीडियो में भी इनको. Have you seen or read about her in the newspaper? Yes. Karnam Malleshwari is a weightlifter. वो weightlifter है. She lives in Andhra Pradesh. She is from Andhra. वो आंध्रा की रहने वाली है. Her father is police constable. उनके पापा जो है वो police constable है. Malleshwari started lifting weight when she was 12 year old. और उन्होंने कब से weightlifting start करी? जब वो 12 साल थी. Now she can lift a weight of 130 kilogram. और वो 130 kilogram का weight उठा सकती है. Karnam has won 29 medals in international events. और international अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गेम्स हुए हैं, ओलंपिक्स हुए हैं, उनमें उन्होंने 29 मॉडल 29 मेडल्स जो है वो जीते हैं. हर फोर सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग, उनकी और चार बहनें हैं वो भी यही करती हैं. तो देखिए इस तरीके से वेट लिफ्टिंग की जाती है, कर्णम मल्लेश्वरी ही है, ये वेट है और इसको इस तरीके से उठाया जाता है, ठीक है. ये ओलंपिक्स का आपको साइन दिख रहा था, ओलंपिक्स के समय उन्होंने वेट लिफ्टिंग की. तो अब हम एक वीडियो देखते हैं इन्हीं कर्णम मल्लेश्वरी का और देखते हैं कि इनके नाम किस किस कौन कौन से रिकॉर्ड से. चलिए जस्ट इन सी दिस, शी इज कर्णम मल्लेश्वरी, सिडनी में 2000 ईयर में इन्होंने लिफ्ट किया था वेट. यू कैन सी दैट ये इनके कोच हैं कर्णम मल्लेश्वरी के. सिडनी में 2000 मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर इंडिया एट द ओलंपिक्स. सिडनी में जब ओलंपिक्स हुआ था 2000 में, तो ये एक नए इरा, नए युग की शुरुआत थी इंडिया के ओलंपिक्स में, एट द बिहेस्ट ऑफ द ऑलरेडी टू टाइम वर्ल्ड चैंपियन कर्णम मल्लेश्वरी. और ये कर्णम मल्लेश्वरी के कारण पॉसिबल हो पाया. देखिए ये जा रही है वेट लिफ्टिंग के लिए. दिस इज द सीन ऑफ ओलंपिक्स ओनली व्हेन शी लिफ्टेड. इनका फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो, इनका वेट जो है 69 kg, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट 105 kg का था, ठीक है. तो ये इनके रिकॉर्ड होते हैं. कर्णम बिकेम द फर्स्ट फीमेल ओलंपिक मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया एज शी रोट हर नेम इन द कंट्रीज हिस्ट्री. हमारी कंट्री में सबसे पहली फीमेल ओलंपिक मेडलिस्ट होंगी कर्णम मल्लेश्वरी. सी हाउ शी इज लिफ्टिंग द वेट. कर्णम टुक सेंट्रल स्टेज इन द वुमेन 69 kg वेट लिफ्टिंग कैटेगरी, lifting 105 kg successfully in her first attempt. In पहले ही इस अटेम्प्ट में इन्होंने 105 kg जो है वो उठा लिया. वही वीडियो है जिसमें इन्होंने 105 kg फर्स्ट अटेम्प्ट में उठाया. एंड ये जो है ये इनके कोच है, ठीक है. फर्स्ट अटेम्प्ट में ये देखिए, अगेन यू कैन सी, और देखिए कितना स्ट्रेंथ चाहिए होता है इस गेम को करने के लिए. सिडनी 2000 में जब ओलंपिक्स हुआ था,
At that time, she had made the record. In the second round, she went to lift 107.5 kg, making it another effortless effort. Ballet attempt 105, second attempt 107.5 kg. And this all make us proud. देखिए उनके कोच भी बहुत खुश हैं और हम भी ये सेकंड अटेम्प्ट में इनका 107.5 kg का वेट इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में बहुत ईज के साथ उठा लिया. सो दिस इज ऑल अबाउट. एंड कर्णम रेज द बार हाई बाय लिफ्टिंग 110 kg इन हर फाइनल अटेम्प्ट. और जो फाइनल अटेम्प्ट था उन्होंने उसमें कितना 110 kg, देयर बाय एंश्योरिंग इंडिया ऑफ एटलीस्ट द ब्रॉन्ज मेडल फिनिश. और उस समय इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला. Again, the third attempt when she was lifting 110 kg. Aur India ko is attempt ke karan bronze medal jo hai wo Olympics mein mila tha. Bahut hi hard, matlab inhone bahut practice. Next up in the clean and jerk category, ab ek clean and jerk category hai. Karnam attempted a lift of 125 kg, lifting it successfully in India's way. Lifting the bar high after adding 5 kilo in the second attempt. 105 tha, ab inhone bar add karke isko kya bana diya tha? 130. Kept the hopes of an entire nation alive. Aur sare log the bahut hi utsukta ke sath tab isko dekh rahe. Matlab 130 kg ka rank aaya. This is for clean and jerk. It needs a hard work. बहुत hard work की इसमें ज़रूरत होती है. And you can see the face of her coach. Last attempt जो इन्होंने किया था, वो 137.5 kg था. Turned out to be risky decision and cost Karnam the first place, which would have been India's first individual gold. This was a risky decision. And see how she is lifting, but alas, she failed. Okay, but then also she had got the branch model for our country and make us proud. Okay, so the way she is getting lifting 240 kg, Karnam created history by winning India's first medal in weightlifting, becoming the first Indian woman to win an Olympic medal. She is the first woman who won the Olympic medal. So this is all about Karnam Maleshwari. With this bronze medal feat, Karnam became a national hero and an inspiration to millions of aspiring Indian female athletes. So female athletes thi, unko bhi inse bahut inspiration mila ki they wo bhi try kare aur Karnam Maleshwari ke jaise apne aap ko sabit kar sake. Theek hai, to ab mujhe lagta hai aapko pura ye Olympic ka aapne dekh liya ki kis tarike se unhone attempt karke ek ek stage unhone paar kiya tha aur kis tarike se unhone हमारे इंडिया को प्राउड मोमेंट दिया था. सो दिस इज ऑल अबाउट कर्णम मल्लेश्वरी एंड कबड्डी. द रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन द अदर वीडियो. टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट. थैंक यू चिल्ड्रन. गॉड ब्लेस यू ऑल.